हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि अभी भी आपके क्रिसेंथिमम प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग आए, आप मेरे प्लांट देख रहे हो इस टाइम पर कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी हो रही है, तो ये सब मैंने कैसे किया और इनकी अभी मैं कैसे केयर कर रही हूँ और नेक्स्ट सीजन के लिए आप इन्हें कैसे सेव करके रख सकते हो और अभी आपको इनमें कौन सी खाद डालनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। सो फर्स्ट हमें देखिए, जैसे हम क्रिसेंथिमम की कटिंग लगाते हैं तो जो हम कटिंग लेट लगाते हैं, जैसे कि दिसंबर में या फिर जनवरी में जो हमने कटिंग लगाई हैं, तो वो कटिंग जो होती हैं लेट ही ग्रो करती हैं और उन पर लेट ही कलियाँ बनती हैं। तो ये सभी प्लांट को मैंने एक बार फूल आने के बाद अच्छे से कटिंग करके रख दिया था, लेकिन मैं इनमें टाइम टू टाइम पानी डाल रही हूँ और खाद डाल रही हूँ, तो उसी का ये रिजल्ट आप देख सकते हो कि अभी भी मेरे प्लांट पर कितनी अच्छी कलियाँ बनी हुई हैं। तो एक बार जब फूल आने के बाद हम प्लांट को कटिंग करके रख देते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकल कर आती है और घने भी निकल कर आते हैं, क्योंकि जब हम एक जगह से कट करते हैं तो आपने देखा होगा वह उस जगह से दो से तीन तीन ब्रांचेस निकलती हैं और जितना प्लांट हमारा घना होता है उतना ही देखने में भी सुंदर लगता है और उस पर कलियाँ भी इतनी ही ज़्यादा बनती हैं, फूल भी ढेरों खिलते हैं। तो आपको प्लांट को एक बार फ्लावरिंग होने के बाद उसको कटिंग करके रख देना चाहिए। तो जैसे हम इसे विंटर में पूरा दिन की धूप में रखते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इसे सुबह की एक से दो घंटे की धूप मिले, बस उससे ज़्यादा धूप ना इस पर पड़े, तो इससे आपके पास ये नेक्स्ट सीजन के लिए भी सेव हो जाएगा और अभी भी ग्रोथ इसकी अच्छी रहेगी, बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो देखिए, मैंने इसको सुबह की एक से दो घंटे की धूप मिले ऐसी जगह पर रखा हुआ है। इसके बाद सनलाइट अच्छी पड़ जाती है, क्योंकि फूलों वाले प्लांट को सनलाइट ज़रूर चाहिए होती है और एक से दो घंटे की सनलाइट इस पर पड़ जाती है। तो अभी मेरे प्लांट पर आप देख सकते हो ब्लैक कलर के जो कीड़ा होता है वही लगा हुआ है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, नीम ऑयल को गुनगुने पानी में तैयार करके अपने प्लांट पर वीक में एक बार ज़रूर से स्प्रे करती हूँ। तो अभी एक बार और फ्लावरिंग इस पर हम ले सकते हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, जून और जुलाई में जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इनको हमें छाया वाली जगह पर रख देना है, बिल्कुल हार्ड प्रून करके, मतलब आपको बिल्कुल इनकी जड़ जो होती है उसको मिट्टी में रखना है, उसके ऊपर से बिल्कुल कटिंग करके छाया में रख दीजिए और पानी और खाद आपको 20 दिन में एक बार डालनी है। ये नहीं कि आपको आठवें दिन ही इसमें खाद डालनी है, 20 दिन में 25 दिन में एक बार खाद डालिए। जैसे ही अगस्त सितंबर का महीना आएगा और बरसात आएगी तो आपका प्लांट इतना घना होकर निकलेगा और ग्रोथ भी उसकी बहुत ही अच्छी होगी, ग्रीन आपका प्लांट बिल्कुल होगा और जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उतना ही ज़्यादा आपका प्लांट घना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पानी इसमें दोनों टाइम डालना है, सुबह में भी डालना है और इवनिंग में भी डालना है। इवनिंग में जो पानी आपको डालना है वो 4 से 5 बजे के आसपास डालना है, उसके बाद मत डालिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट पानी डालोगे और वो पत्तियों पर रुक जाएगा तो उससे भी आपके प्लांट में फंगस लगकर आपका प्लांट खराब हो सकता है। मिट्टी में आपको कोई गुड़ाई नहीं करनी है, लिक्विड खाद मत डालिए, क्योंकि लिक्विड खाद जो होता है वो डायरेक्ट प्लांट की जड़ों में असर करता है। जो भी आप खाद डाल रहे हो वो सूखा डालिए ताकि धीरे धीरे वो पानी के साथ घुलता रहेगा और प्लांट को उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते रहेंगे। जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं वो प्लांट में डायरेक्ट असर करता है। तो ये प्लांट जो होता है क्रिसेंथिमम एक परमानेंट प्लांट है जिसके आपको कलर बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन ये मेन जो होता है विंटर में ही फ्लावरिंग करता है। अभी हमें इससे थोड़े जो फूल चाहिए होंगे वो इसकी केयर, एक्स्ट्रा केयर करने के बाद चाहिए होते हैं। तो देखिए, मैं इस टाइम पर इस प्लांट में कौन सी खाद यूज़ कर रही हूँ।
मैं यहाँ पर मैंने लिया है सीविड फर्टिलाइज़र। सीविड फर्टिलाइज़र जो होता है ये एक तो ऑर्गेनिक होता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी करते हैं और फूल लेने में भी हेल्प करते हैं। तो मैंने 8 इंच के पॉट में आधा चम्मच सीविड फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें सीविड जो होता है ये आपको 2-3 तरह का मिलता है, एक आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है और एक इस तरह जो ये दाने वाला सीविड फर्टिलाइज़र होता है ये हमारे प्लांट में काफ़ी अच्छी रिजल्ट देता है और इससे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और पत्तियों का कलर भी डार्क होता है। तो इस तरीके से अगर आप अभी अपने क्रिसेंथिमम प्लांट की केयर करोगे तो आपका प्लांट पूरे साल हरा भरा रहेगा और बहुत ही अच्छी उसकी ग्रोथ रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास पॉट जो है साइज छोटा है या फिर साइज बड़ा है आपने लगा कर रखे हुए हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। मेरे पास 8 इंच का पॉट है तो मैंने 8 इंच के पॉट में आधा चम्मच ही यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसको पानी में घोल कर भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से अभी डालने में ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कोई केमिकल खाद अपने प्लांट में यूज़ करोगे तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसका क्या होता है कि एक तो ये ज़्यादा गर्म खाद नहीं होती है और प्लांट के लिए बिल्कुल सेफ़ रहती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।